श्रोताओं, आज की पहेली लिए हमने श्रीमान जी ओम तीर्थ दर्शन के संचालक महोदय जी की। इनकी पहेली इस प्रकार है, ज्ञान ध्यान फुक चंडी, बारह होल में एक डंडी। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, तभी आपको हमारा ज्ञानात्मक वीडियो मिल सकता है। तो आइए श्रोताओं, बिना कोई समय गंवाए अब हम श्रीमान ओम तीर्थ दर्शन के संचालक महोदय, जो कि हमारे एक बहुत ही पुराने श्रोता हैं और एक ज्ञानवान आदमी हैं, हम इनकी पहेली की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहेली से पहले मैं श्रीमान जी को बता दूं, आपने एक कमेंट और भी कर रखा है हाथ से उत्पत्ति वाला, तो वह विष्णु पुराण में है। अब आप जरा थोड़ी मेहनत करिए, क्योंकि पेज संख्या हम अभी नहीं बताएंगे। जब आपको पेज संख्या नहीं मिले तो फिर हम आपको पेज संख्या भी बता देंगे और हमारे वीडियो का पीडीएफ जो कि विष्णु पुराण से होगा वो बना करके भेज देंगे। तो श्रोताओं, इनकी पहेली है, ज्ञान ध्यान फुक चंडी, बारह होल में एक डंडी। श्रोताओं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्रसंग उस समय का है, एक दिन सांब जो कि कृष्ण का पुत्र था, भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगा, आप मुझे बताइए आपको ये चक्र कैसे प्राप्त हुआ। तो श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण उस चक्र का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि इस चक्र को मैंने सूर्य भगवान से प्राप्त किया, कई दिव्य हजार वर्षों तक मैंने सूर्य भगवान की तपस्या की और तब सूर्य भगवान ने मुझे एक अपने जैसा ही चक्र प्रदान किया। तो श्रोताओं, उस चक्र में बारह अरे हैं और इन अरों में बारह आदित्य बतलाए जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये सब कुछ हम भविष्य पुराण से बता रहे हैं। तो ये जो बारह आदित्य बतलाए गए हैं, इसके पश्चात पृथ्वी आदि कलात्मक तत्व मार्ग में पड़ते हैं, ये तत्व भी इस चक्र में व्याप्त हैं। कमल रूप इस चक्र के षट दल छह ऋतुए हैं। कमल के मध्य में जो पुरुष विराजमान है वह पुरुष और कोई नहीं बल्कि भगवान सूर्य स्वयं हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों के काल कहे जाते हैं और ये तीनों ही चक्र की नाभियां हैं। बारह महीने अरे हैं, नक्षत्र ग्रह योग सभी इस चक्र में व्याप्त हैं। श्रोताओं, श्रीमान ओम तीर्थ दर्शन के संचालक महोदय जी की, जो कि स्वयं भी चैनल चलाते हैं, पहेली यही लगती है, ज्ञान ध्यान फुक चंडी, बारह होल में एक डंडी। तो अरों में जो ये बारह आदित्य हैं और इन बारह आदित्यों के मध्य भी एक सूर्य विराजमान है, इसलिए ये पहेली इसी जगह पर आके लगती है कि ज्ञान ध्यान फुक चंडी। इस ऊपर वाली लाइन का तो कोई अर्थ ही नहीं है,
ये तो इनकी तुकांत के लिए है। ज्ञान ध्यान फुक चंडी अर्थात ज्ञान से संबंधित है और ये ध्यान से भी संबंधित है। फुक चंडी और ये सब कुछ ऊपर है, इसलिए ज्ञान ध्यान फुक चंडी 12 होल में एक डंडी। जो भगवान सूर्य का चक्र है उस चक्र में 12 अरे हैं, 12 अरों में 12 आदित्य हैं, इसलिए इन्होंने उनको 12 होल कहा है। 12 आदित्यों को 12 होल कहा है, इसलिए 12 आदित्य में एक सूर्य अर्थात सूर्य भगवान को इन्होंने डंडी कहा है, इसलिए 12 होल में एक डंडी। तो श्रोताओ, इस प्रकार से इनकी पहेली तो यही लगती है। आगे भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये ऐसा सब कुछ तत्वों से व्याप्त जो चक्र है, मैंने सूर्य भगवान से ही प्राप्त किया। श्रोताओ, इसके पश्चात वो आगे भी कहते हैं कि अगर कोई सप्तमी के दिन ऐसा ही सूर्य भगवान का चक्र बना करके पाठ पूजा करता है तो उससे सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं और कोई भी ग्रह उसे परेशान नहीं करता। तो श्रीमान जी, ओम तीर्थ दर्शन के संचालक महोदय जी, एक अर्थ तो आपकी पहेली का ये लगता है। अब दूसरा जो अर्थ है वो हम आपका छतरी पर भी लगा सकते हैं, जो वर्षा ऋतु में छतरी यूज करते हैं उस पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि छतरी में 12 तान होते हैं। 8 तान की छतरियां और 6 तान की छतरियां तो बाद में बनी, लेकिन जो मुख्य छतरी पहले बनी उसमें 12 तान होते हैं। अर्थात उन 12 जो तान होते हैं उनमें भी एक डंडी लगी होती है। तो आपका जवाब छतरी भी हो सकता है। तो श्रोताओ, हमने श्रीमान ओम तीर्थ दर्शन के संचालक महोदय जी, जो कि स्वयं भी चैनल चलाते हैं, इनका भी बहुत अच्छा चैनल चलता है, हमने पूर्ण प्रयास किया इनकी पहेली का जवाब देने का। ज्ञान ध्यान फुक चंडी 12 होल में एक डंडी, बहुत ही अच्छी पहेली। और अब मेरा श्रोताओं से निवेदन, आप भी इसी तरीके से पहेली पूछते रहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी पहेलियों का जवाब प्रस्तुत करें। धन्यवाद।